आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 3:30 बजे अहम मीटिंग बुला रहे हैं। इस मीटिंग में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जाएगी, साथ ही महामारी से निपटने के लिए अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा भी होगी। जानकारी के मुताबिक बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा समय में कोरोना से जुड़ी 3 चीजें हैं जिस पर सबकी नजरें बनी हुई है। पहला तीसरी लहर, दूसरा वैक्सीनेशन और तीसरा डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट जो है वो लगातार उसके मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में सबकी निगाहें जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट पर बनी हुई है। डेल्टा वेरिएंट के तमाम रूप जो हैं वो सामने आ चुके हैं, ऐसे में लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और इसी वजह से आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने जा रही है। कोरोना पर अब तक क्या कुछ हुआ है, किस तरह से आगे कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर लगातार विशेषज्ञ जो हैं वो आशंका जता रहे हैं। तो ऐसे में पहले से ही एक ब्लूप्रिंट तैयार करना जो है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ब्लूप्रिंट तैयार नहीं होगा तो फिर जैसी भयावह स्थिति हमने दूसरी लहर में देखी थी वैसी तीसरी लहर में देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि बताया जा रहा है कि तीसरी लहर जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका जोरों पर है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 3:30 बजे अहम मीटिंग रख सकते हैं। इस मीटिंग में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जाएगी, साथ ही महामारी से निपटने के लिए अहम कदम भी उठाए जा सकते हैं, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। जानकारी यह भी मिल रही है कि बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा समय में कोरोना से 3 चीजें जो जुड़ी हैं उस पर चर्चा होगी, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, तीसरी लहर हो या फिर डेल्टा वेरियंट हो। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रही। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं पार्टियां और भी ज्यादा हमलावर आक्रामक होती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि इन दिनों सपा की ओर से लगाया गया पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि सपा ने पोस्टर में लिखा है भाजपा हटाओ औलाद बचाओ। इतना ही नहीं, इन पोस्टर्स पर एक बकरा भी छपा हुआ है जिसे बलि का बकरा बताया जा रहा है। पोस्टर आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। पोस्टरों पर समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की फोटो भी लगी हुई है। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी नीतियां और सरकार की उपलब्धियों को जनता को गिनाने में लगी हुई है, जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष किसी ना किसी बहाने सरकार को घेरने की तैयारियों में लगा हुआ है। इस तरह की तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो फिरोजाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कपीश श्रीवास्तव सभा प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपीश जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार कपीश जी, ये जो आपकी पार्टी ने जो पोस्टर बनाया है जिसमें आपने सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधा है, एक बकरी की फोटो भी आप लगा रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं इससे? हेलो कपीश जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है कपीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी कपीश जी, ये जो आपकी पार्टी ने पोस्टर बनाया है और सावधान इस पर लिखा हुआ है, एक बकरी की फोटो आप बना रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं इससे? तो पोस्टर मैंने देखा नहीं है, ऑनलाइन पे भी इसलिए बता भी नहीं सकूंगा। ठीक है, मैं आपने पोस्टर नहीं देखा है कपीश जी, जवाब पार्टी की तरफ से दे सकता था कपीश जी, तो मैं आपको समझा देती हूँ। आपने पोस्टर नहीं देखा है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये पोस्टर है स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आप दे रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से। इस पोस्टर में एक बकरी की फोटो कोट पैंट पहनाकर आपने लगाई है, भाजपा हटाओ औलाद बचाओ इस पर लिखा हुआ है। अब तो आप समझ गए क्या है ये पूरा मुद्दा? पहली चीज तो ये कि जब मैं पोस्टर देख ही नहीं रहा हूँ तो ये कैसे कह दूं कि पार्टी के द्वारा लगाया गया है या किसी कार्यकर्ता के द्वारा या जानबूझ के किसी और के द्वारा लगाया गया है?
ये तो मैं जब तक विजुअल नहीं मैं देख पाऊंगा तब तक मैं आपको कैसे बता दूं। मुझे कोई भी संदर्भ इस पर आपका पार्टी ने नहीं दिया है कि उस तरीके के कोई पोस्टर्स लगाए गए। चलिए ठीक है, ये जो पोस्टर्स है वो अखिलेश यादव जी की इसमें फोटो लगी हुई है। कपिल जी, चीज ये है कि कोई अगर आपका भी पोस्टर में फोटो लगा दे तो उससे आप अभियुक्त थोड़ी रह जाएंगे कि आपने नहीं जारी किया। तो आपकी पार्टी पोस्टर लगा रही है, आपको अंदाजा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है? नहीं नहीं, हमारी पार्टी अगर लगा रही होती तो पार्टी निश्चित हमें संज्ञानित करती। अब कोई कार्यकर्ता लगाया है या कोई बाहरी आदमी लगा दिया है, ये कौन मान रहा है? देखिए अखिलेश जी की फोटो का इस्तेमाल हो रहा है तो बागी कैसे हो सकता है? यहाँ पर पूरे पोस्टर देखिए, मैं तो देख पा रही हूँ, मैं तो आपको बता रही हूँ ना पूरा पोस्टर में क्या है। लेकिन बाद में पता चला कि वो पोस्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, किसी और ने लगा दिए थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के तो विपक्ष में लिखा हुआ है ना, उसके समर्थन में थोड़ी ना लिखा है। कपिल जी पहली बात तो ये है की आपको बोलिए, आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगी। आप बोल लीजिए पर आपको और आगे कोई जानकारी है तो मैं दे पाऊंगा। चलिए ठीक है, ठीक है, हमें भी पता होता। ठीक है कपिल जी, आपका बहुत शुक्रिया न्यूज वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो फिरोजाबाद का ये पोस्टर जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और अखिलेश यादव की इसमें फोटो भी है, लेकिन हम प्रवक्ताओं से लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इससे कहीं ना कहीं अगर कहें तो अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पोस्टर सामने आए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इस पोस्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखिए आपकी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया जा रहा है, आपको ऐसा कैसे हो सकता है कि जानकारी ना हो? तो ऐसे पोस्टर जो है लगातार सपा की तरफ से उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है भाजपा हटाओ औलाद बचाओ। वो कोई नया लीडर है, उनकी सोच, उनकी मानसिकता, उनकी कार्यशैली यही रही है। और वास्तविकता में आप सब जानते होंगे कि नहीं के इन कुकर्मों की वजह से जिंदगी अराजकता के खिलाफ तो इसी तरह के कुकृत्यों के कार ही उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन जनता ने किया और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने का काम इन्हीं के इन कुकृत्यों से हुआ। अच्छा, जो हुडिंग आज भी जो बकरे की बलि वाला अगर ये इस तरह का पोस्टर लगाए हुए हैं तो बलि किसकी चढ़ी? बलि उत्तर प्रदेश की जनता की चढ़ी जो 12 से 17 तक कुचली गई, बलि उन लोगों की चढ़ी जो अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जिनको बेरोजगारी के नाम पर ठहरा गया। है जहां पर पोस्टर वॉर जो है वो शुरू हो चुका है। दरअसल यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, जो विपक्ष है वो राज्य सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि अपनी नीतियां जो है, अपनी उपलब्धियां जो है वो जनता तक पहुंचाई जाए, लेकिन विपक्ष ऐसा होने नहीं दे रहा है। किसी ना किसी मुद्दे पर विपक्ष जो है पोस्टर वॉर करता हुआ नजर आ रहा है, बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। तो साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां विपक्ष पार्टियों पर निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि लगातार हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सपा का प्रवक्ता या नेता इस पर कुछ भी बोलने से तैयार नहीं है। अफगानिस्तान से वतन लौटे मुकेश ने अफगानिस्तान की दर्द भरी दास्तां बयां की। मुकेश ने कहा, दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं है, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां परेशान को भी शरण मिल जाती है। अफगानिस्तान की कानून व्यवस्था के बारे में बात करते हुए मुकेश ने बताया कि तालिबान सत्ता के लिए लड़ रहा है, सत्ता की लड़ाई में ऐसा ही होता है। मुकेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी राष्ट्रभक्त बताया। वो कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से किसी भी भारतीय नागरिक को कोई खरोच नहीं आई है। आपको बता दें कि मुकेश कल अफगानिस्तान से वापस अपने घर बुलंदशहर लौटे हैं, जहां कल उनकी घर वापसी पर गांव के लोगों ने मुकेश का ढोल नगाड़े और फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। मुकेश बुलंदशहर पहासू क्षेत्र के गांव गंगागढ़ के रहने वाले हैं, जो कल अफगानिस्तान से वापस अपने घर लौटे। आपको बता दें कि भारत सरकार पूरी तरह से तत्पर है, जितने भी भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हैं उनको वापस लाया जा रहा है। ऐसे में जो लोग वतन वापसी कर रहे हैं उनके चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है, उनका परिवार भी खुश है, क्योंकि वहां पर हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें डर सता रहा है कि कहीं तालिबानी लड़ाके जो है वो कुछ अनहोनी ना कर दें। ऐसे में मुकेश भी लौटे हैं और उन्होंने भारत सरकार की जमकर तारीफ की है, देश की जमकर तारीफ की।
गुजरात की बेटी ध्वनि ने विश्व स्तरीय स्मार्टफोन की टच स्क्रीन पर सबसे तेज अल्फाबेट टाइपिंग का नया कीर्तिमान स्थापित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ध्वनि गुजरात के गांधीनगर के रहने वाले शरद भाई भूत की बेटी हैं, जिसने अपने परिवार के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया है। ध्वनि ने न्यूज फॉर इंडिया से की गई बातचीत में बताया कि स्मार्टफोन के टच स्क्रीन पर सबसे तेज अल्फाबेट टाइपिंग करने वाला चाइना का 24 साल का यांग था। यांग ने अल्फाबेट टाइपिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड 3.91 हासिल किया था, लेकिन ध्वनि ने वही रिकॉर्ड 3.87 रेटिंग से अव्वल आकर अपने नाम कर लिया। ध्वनि ने बताया कि जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया तब मेरे और मेरे परिवार का खुशियों का ठिकाना नहीं था। लोग मुझे एक सेलिब्रिटी की तरह देखने लगे, जो बात नहीं करते थे वो सभी लोग मुझे सामने से आकर मिलने लगे हैं। ध्वनि ने बताया, जब मैं स्कूल जाती हूँ तो एक सेलिब्रिटी जैसा फील होता है। ध्वनि का कहना है कि वो देश के लिए और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करना चाहती है और आगे ऐसा ही वो करेंगी। तो आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है ध्वनि का। जी हाँ, मैं प्रणोशी राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, और अभी फिलहाल मेरे साथ है ध्वनि। दुनिया में उनका नाम रोशन हुआ है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लेके आई है। जो स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन की स्क्रीन पे फास्टेस्ट और उनमें जो अल्फाबेटी टाइपिंग होता है उनमें उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को प्राप्त किया है, पूरा भारत का नाम रोशन किया है। मेरे साथ ध्वनि विराजमान है और ध्वनि से मैं रूबरू बात करूंगा। गुजरात की एक बेटी है, उनके बारे में कुछ बात करेंगे। अभी मैं क्या कहूँ, गुजरात से तो हर फील्ड में हर कोई ना कोई अच्छा है। स्पोर्ट्स देखो, बिजनेस देखो, कोई ना कोई फील्ड में कोई ना कोई अच्छा है। अब गुजरात है ही ऐसा, अभी सब जगह से हम निकल रहे हैं बाहर विद फ्लाइंग कलर्स, तो अभी हर एक फील्ड में हम अच्छे हैं, तो क्या कह सकते हो उसमें। तो खास पूछा जाए तो इतनी बड़ी जो आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को प्राप्त किया है, तो आपके स्कूल जहाँ पे आप जाते हो काफी सारे बच्चे हैं, आपसे प्रेरणा लेंगे, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, वो क्या कह रहे हैं? अभी हम स्कूल हमारी चालू नहीं हुई, पर कभी कभी हम कुछ सबमिट करने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, तो हर कोई आप देखोगे जो मिलेगा वो कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसे सेलिब्रिटी बन गया। अब जान भी नहीं रहे उस बंदे को, बोल रहे हैं हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, टीचर सब बहुत खुश है। क्या क्या फील कर रहे हो? ये काफी प्राउड है, ये मतलब ये मोमेंट जो आप अंदर फील कर रहे हो ना, कि नहीं हमने कुछ अचीव किया है, हमने सब अलग किसी से सबसे अलग ये जो अचीवमेंट है ना वो काफी अच्छा है। इसके बाद और कोई पढ़ाओ? इसके बाद और 2-3 रिकॉर्ड तोड़ने का मेरा अभी सोच है, मैंने अप्रूवल मांगा है उनसे, जब वो अप्रूव करेंगे तब हम और अटेम्प्ट करेंगे। क्या वो सस्पेंस रहेगा? हाँ वो अभी सस्पेंस रहेगा। और क्या कहना चाहेंगे जी, नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है, मोदी साहब के बारे में क्या बोलेंगे? मोदी साहब तो अभी क्या कह सकते हैं उनके बारे में, वो भी काफी एनकरेज कर रहे हैं सबको इन सब फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, और शायद सबको कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, टेक्नोलॉजी है, जब हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। ये बड़ी दीदी भी है, आपके मम्मी पापा भी है, इसके बाद आपका क्या मान बढ़ा है? उन्होंने तो मुझे इतना सपोर्ट किया है, मेरी बहन मम्मी पापा, मतलब उनके सपोर्ट बिना तो ये होता ही नहीं। एक साल का कांस्टेंट आप वेट समझो कि एक साल बस राह देख रहे हैं, और ये जो हम रिकॉर्ड करते हैं ना, तब इतनी बार एरर आता है, एक बार दो बार छोटा छोटा कितनी बार एरर आता है, तो उसके लिए भी सब वेट करते रहते हैं, तो इसीलिए अभी सबका पेशेंस लेवल भी काफी इसलिए खुश है, परिवार खुश है, वो अपने आप को सेलिब्रिटी की तरह फील करवाती है। अल्फाबेट टाइपिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है धोनी ने। कोरोना काल में जहां एक तरफ तीसरी लहर का खौफ लोगों में देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में 6 से 8 तक के स्कूल खुल गए हैं, जिसे लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि जो बच्चे स्कूल पहुंचे हैं, अभिभावकों की चिंता बनी हुई है, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं स्कूल गए हैं, स्कूल प्रबंधन की ओर से किस तरीके से छात्र छात्राओं के आने के लिए इंतजाम किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, कोई कमी तो नहीं रह गई और बच्चा संक्रमित ना हो जाए, ऐसे तमाम सवाल हैं जो पेरेंट्स के मन में लगातार आ रहे हैं। स्कूल की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, साथ साथ मास्क लगाने और सैनिटाइज करने
तहत तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। हालांकि बच्चों के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल बच्चे खुश हैं, लेकिन बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका है। और जैसे कि विशेषज्ञ बता चुके हैं कि तीसरी लहर में बच्चों पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, ऐसे में उनमें डर जो है वो लाजमी है। बच्चे भी जो है बड़े जागरूकता के साथ आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो है हम भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। गेट पे ही सैनिटाइज 800 मीटर और उन्हें मास्क लगाने का भी हिदायत दे रहे हैं। साथ ही साथ कक्षा में भी हमारे जो कक्षा अध्यापक भी हैं वे भी जो है उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क लगाना जरूरी है, और एक दूसरे से कोई वस्तु आदान प्रदान न करें। इसमें कोई शिथिलता हम नहीं बरत रहे हैं कि बच्चों के साथ कहीं कोई जो नुकसान हो। बच्चे 50% प्रथम पाली में और 50% जो है द्वितीय पाली में आएंगे। आज तो पहला दिन है इनका, आज पहला दिन है। बच्चे लगभग कितनी तादाद में सोच रहे हैं या परिवार का कहना है? हाँ, आज जो है बच्चे पहले दिन आए हैं। 40% उनकी अटेंडेंस फर्स्ट मीटिंग में है। सेकंड मीटिंग में देखना है कि उनकी तादाद कितनी रहती है। हमने गार्जियन को भी जागरूक कर दिया था कि वे जो है अनुमति पत्र लेकर के बच्चों को भेजें, ताकि जो है हमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऑनलाइन हम क्लास करते थे तो कुछ समझ आता था, कुछ नहीं आता था। स्कूल में आ गए हैं, अब समझ आएगा, हम सही से समझाएंगे। किस तरीके का प्रोटोकॉल अपना रहे हैं? मास्क वगैरह लगा के आए हैं, बाहर सैनिटाइज वगैरह किया जा रहा है। तो अगर परिवार की बात करें तो परिवार ने क्या बोला स्कूल में एहतियात बरतने के लिए? क्या बोला आपको जब स्कूल आए तो परिवार ने क्या बोला आपको? मास्क लगा के जाए और सैनिटाइजर लेके जाए, अपने साथ 2 गज की दूरी रखें। मैं कैलाश होती हूँ, इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं अभी कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। छात्रा हैं तो बताइए कितने दिन बाद स्कूल खुला आपका? खुला 2 दिनों के बाद, अभी तो अगस्त स्कूल पहुँचे। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, 2 दिनों के बाद स्कूल आई हूँ। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स ने भेजने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं बोला? नहीं। अच्छा, तो घर पर पढ़ाई कर रहे थे तो ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी लगती है या ऑफलाइन अच्छी लगती है? स्कूल में आके? स्कूल में आके ज़्यादा अच्छी लगती है। किया जा रहा है पालन और अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल स्कूल खुलने पर बच्चों में खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। बच्चे काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना की जो तीसरी वेव है उसको लेकर आशंकाएं लगातार की जा रही है। विशेषज्ञ कह चुके हैं कि तीसरी लहर में जो ज्यादा प्रभाव है वो बच्चों पर पड़ने वाला है। ऐसे में इसी बीच ये स्कूल खोल दिए गए हैं 6ठी से 8ठी तक के। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए मुश्किलें हैं, लेकिन स्कूल पूरी तरह से तैयार है। स्कूल तमाम तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो बच्चों को सैनिटाइज करना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना हो, मास्क उन्हें लगवाना हो, आने जाने की क्या व्यवस्था है, इन पर स्कूलों की नजर लगातार बनी हुई है। तो यूपी में पहले ही 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए थे, लेकिन अब 6ठी से 8ठी तक के भी स्कूल खोल दिए गए हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों से मिलकर बेहद खुश हैं, लेकिन बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होंगे। रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि आप साथ में खाना नहीं खा सकते, अगर आपका गेम्स का पीरियड है तो आप खेल नहीं सकते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। दरअसल विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। विपक्ष जो है वो लगातार सदन के बाहर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करते हुए, हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की। दरअसल चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं कांग्रेस के नेता। सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा सरकार न्यायालय में ठीक से पैरवी नहीं कर पा रही है। इसके अलावा वकीलों की लंबी फौज, लेकिन वकील नहीं कर रहे हाई कोर्ट में पैरवी। हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है, सरकार कोर्ट को नहीं दे पा रही
सही जवाब। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है देहरादून से। दरअसल विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और ये सदन में हंगामा जो है सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी लगातार देखा जा रहा है। कई विधायकों ने प्रदर्शन किया है सदन के बाहर। कांग्रेस के जो विधायक है वो बैठे हुए हैं और चारधाम यात्रा को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगा है कि चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है, व्यवसाय को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जिन लोगों की आजीविका थी चारधाम यात्रा, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, ऐसे में तमाम जो टैक्सी चलाते हैं, जो दुकानें लगाते हैं, उनकी आजीविका है चारधाम यात्रा, तो उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ है। ऐसे में तमाम जो तर्क है वो कांग्रेस के जो विधायक है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून से ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। आप बता दें कि कल ही जो विधानसभा सत्र है वो शुरू हो गया था, आज दूसरा दिन है, लेकिन जो दूसरा दिन है वो बेहद ही हंगामेदार रहा है। सदन के बाहर जो कांग्रेसी विधायक हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े हाथों में बैनर्स, पोस्टर, होर्डिंग्स लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि तमाम वकील हैं लेकिन हाईकोर्ट में किसी की भी पैरवी नहीं होती है। ये तमाम इल्जाम जो है वो लगातार सरकार पर लगाते हुए कांग्रेस के जो विधायक है वो नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है देहरादून से, लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नया सवेरा, नया सफर, नया है आगाज, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। चाय की चुस्कियां गुड मॉर्निंग इंडिया के साथ। बाय मम्मी, बाय पापा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया। दिन भर के लिए रहिए फुल अपडेट, दिन भर के बड़े डेवलपमेंट्स, दिन भर की पॉजिटिव खबरें। मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे देखिए गुड मॉर्निंग इंडिया पारुल त्यागी के साथ और काजल नारायण के साथ।